Good morning, students. Welcome back to the class 12. Subject business study, chapter organizing, chapter number 5. And today's topic we will start as an decentralization and it's important. We have covered in last lecture the delegation of authority and it's important in last video. And in today's video we will start as decentralization and it's important. This topic is the last topic of this chapter. So let's begin with the decentralization. What is decentralization? We'll see. Decentralization refers to a systematic effort to delegate to the lower level all authority except the one which can be exercised at central point. Decentralization is a system in which every individual at a lower level who have a certain duties, responsibilities and power along with that answerability, they use their power to take a decision. They are coming under the title known as decentralization. Every individual has a right to take decision and he is the ultimate one who is answerable for the decision. Ultimately, it has been mentioned over here that all authorities except the one who can be exercised at central point. Ultimately, I would give an example over here. कि कोई भी decision अगर लेना हो product बनाने के related raw material देने के हिसाब से, तो यहाँ पर हर एक superior अपने subordinate को certain powers देता है. Certain powers के साथ में उसके पास थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में आंसरेबिलिटी भी उसके पास अवेलेबल है. तो अल्टीमेटली वो जो भी डिसीजन लेगा वो उसके लिए अकाउंटेबल होता है. तो उस बेस पर यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि हर एक इंसान को या हर एक एम्प्लॉय को जो वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास कुछ सर्टन पावर्स होती हैं, ड्यूटीज होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है या आंसरेबल होते हैं. तो डेडिकेशन में जब हम लोग डेडिकेशन की बात करते हैं तो आपको ये थ्री एलिमेंट्स हमेशा याद रखनी है. जो थ्री एलिमेंट्स है वो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो डिसेंट्रलाइजेशन ये सिस्टम एफर्ट्स या ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ये एनकाउंटर करता है या आपको बताता है कि डिसेंट्रलाइजेशन से हर एक इंडिविजुअल के बीच में वर्क डिवाइड होता है और हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है उनके पास कुछ अथॉरिटीज भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है और अकाउंटेबिलिटी भी होती है. लेकिन जब मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन विच कैन एक्सरसाइज एट सेंटर पॉइंट की जब बात करते हैं तो दैट मीन्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन एंड नो वन हैज अ राइट टू टेक डिसीजन बियॉन्ड ऑन देम. उनके अलावा दूसरा कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसको हम लोग सेंट्रल पॉइंट कहते हैं. तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है डिसीजन लेने के और उनके पास राइट है कि वो कुछ ड्यूटीज को फुलफिल कर सके ऑन टाइम. डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अब जब मैं इसको इलेबरेट करता हूँ तो कुछ इस तरह से होता है. अंडर दिस द अथॉरिटी इज ट्रांसफरिंग टू द लेवल where it is to be exercised, so the number of centers for taking decision increase, number of members also increase over here. क्योंकि जब authority हम लोग transfer करते हैं lower level की तरफ तो वहाँ पर number of candidates जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं. जब number of candidates बढ़ते हैं तो decision लेने में लोगों को ज़्यादा benefit होता है और यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के जो डिसीजन आते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स में आते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेडिकेशन. डेडिकेशन हमने पढ़ा था जिसके अंदर तीन एलिमेंट की बात हम लोग करते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो वो तीनों एलिमेंट्स के आगे का जो पार्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम लोग नॉर्मली जब डेडिकेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को इंक्लूड करते हैं. जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन सेंटर होता है
और जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन सेंटर बड़ा होगा उतना जल्दी अल्टीमेट डिसीजंस लेने में हेल्प होती है। अब हम जो पॉइंट देख रहे हैं वो है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से इलैबोरेट हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी अमंगस्ट मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के मैनेजर्स के बीच में हम लोग एक पैटर्न अलॉट करते हैं जिसके अंदर अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन दोनों ही वर्केबल होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कंसर्न ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ फ्यू हैंड्स। बहुत ही ज्यादा मेजर डिसीजन अगर लेना हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में कुछ लोगों के पास ही पावर होता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन के पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के पास पावर होगी डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन में एक ही पर्सन या फ्यू पर्सन जिनके पास पावर होती है वो जो फाइनल डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन फाइनल होगा। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप वेरियस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को चांस देते हो डिसीजन लेने में। इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी लिटिल अथॉरिटी इज डेडिकेटेड टू मैनेजमेंट एट मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जब सेंट्रल लेवल सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज हमेशा लिमिटेड होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज अब लिमिट होता है तो यहाँ पे वेरी फ्यू हैंड्स होते हैं या वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। जब ये डिसीजन लेते हैं तो अल्टीमेटली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स जो मिडल लेवल या लोअर लेवल पे होते हैं उनके पास पावर्स बहुत कम होती हैं। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटेड विद सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। दे एग्जिस्ट टुगेदर एंड देयर इज अ नीड फॉर अ बैलेंस बिटवीन टू। अब खाली सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। यहाँ पे दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, सेंट्रलाइज भी और डिसेंट्रलाइज भी। अगर हम लोग इसमें बैलेंस रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लेता हूँ तो फाइनेंस रिलेटेड कौन सी मशीन, कैसी मशीन, कब कैसे प्लान करना है तो वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। वेयर एज मेरे हिसाब से कुछ छोटे छोटे डिसीजन, कुछ परचेस करना हो या बैलेंस रिलेटेड परचेस करना हो, लिमिटेड बजट्स के अंदर कुछ परचेस करना हो तो वो डिसेंट्रलाइज हो तो बेटर है। मैनेजर्स को हम लोग बजट भी देते हैं तो बजट के बेस पे वो कुछ भी परचेस कर सकता है, लेकिन बियॉन्ड द बजट कुछ डिसीजन लेना हो तो वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। और सेंट्रलाइज होने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज देयर इज अ टेंडर टू मूव टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जाएगी, ग्रोथ होते जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होते जाएगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ फॉरवर्ड होने लगती है। जब डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ वो फॉरवर्ड होने लगती है तो पावर्स भी डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू या एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हम लोग डिसीजंस, अथॉरिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक लेवल पे दे देते हैं। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है जनरल मैनेजर का। जनरल मैनेजर के पास खुद की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर है तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, बट वही पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है जूनियर मैनेजर को भी। जूनियर मैनेजर ने टीम लीडर को, लीडर को भी अथॉरिटीज दी हुई है। टीम लीडर ने क्या किया है, एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू को भी उन्होंने डिसीजन लेने में एक अथॉरिटी दी हुई है, पावर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है और अकाउंटेबिलिटी भी दी हुई है। तो यहाँ पर जो वन बाय वन हर एक इंडिविजुअल जो आपको दिखाई दे रहा है या मैंने जो बनाया है ग्राफ, इसके अंदर मैंने फाइव इंडिविजुअल्स बनाए हैं। ये फाइव इंडिविजुअल्स अपने खुद के डिसीजंस ले सकता है, अपने खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको समझ में आती है और साथ साथ में वो आंसरेबल भी हो जाते हैं। अगर एम्प्लॉय टू और एम्प्लॉय वन के बीच में कभी क्लैश भी हो जाता है तो अल्टीमेटली वो लोग जनरल मैनेजर या टीम लीडर या जूनियर मैनेजर के पास जाके वो सारे मैटर्स को डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेट डिसीजन जो है वो हर एक इंडिविजुअल के पास है, इसलिए इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम लोग सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मैंने ग्राफ बनाया है जिसमें जूनियर मैनेजर को रिपोर्ट करता है टीम लीडर वन, टू, थ्री एंड फोर।
चारों के चारों कोई भी डिसीजन लेने से पहले जूनियर मैनेजर से हमेशा डिस्कस करते हैं, और जूनियर मैनेजर अगर कोई डिसीजन ले लेता है या फाइनल डिसीजन ले लेता है तो वो टीम वन, टीम टू, टीम थ्री, टीम फोर लीडर्स को वो बता देता है कि कौन सा डिसीजन उनकी फेवर में है और कौन सा डिसीजन उनकी फेवर में नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर टीम लीडर वन, टू, थ्री एंड फोर चारों के चारों अपना डिसीजन नहीं ले सकते, यहाँ पे जूनियर मैनेजर ही डिसीजन ले सकता है फाइनल। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्या क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन के, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, डेवलपिंग इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। हर एक इंडिविजुअल के अंदर हम लोग कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको गेन करवाते हैं, मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट करने के बाद में सबऑर्डिनेट को हम लोग फ्रीडम देते हैं कि वो अपना डिसीजन ले सके। इसी को कहते हैं डेवलपमेंट इंटेंसिव अमंग द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स को हम लोग कॉन्फिडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और जब प्रमोट करते हैं तो वो अपने आप में एक मोटिवेटेड एनकरेज पर्सन होता है, और वो जो भी डिसीजन लेगा वो सब कुछ सोच समझ के ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स में डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्विक एंड बेटर डिसीजन। जब बर्डन्स लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या एम्प्लॉयज के बीच में अगर हम लोग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर क्विक डिसीजन भी होता है और बेटर डिसीजन भी होता है। कि हम लोग हमेशा कहते हैं वन ब्रेन इज सफिशियंट बट मोर देन वन इज मोर बेटर। एक दिमाग चलता है, चलो एक दिमाग से जो सोचता है वो ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा दिमाग अगर सोचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्विक एंड बेटर डिसीजन का पॉइंट लिखा हुआ है। द बर्डन ऑफ मैनेजरियल डिसीजन डज नॉट ले इन द हैंड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल बट गेट्स डिवाइडेड अमंग्स वेरियस पर्सन्स व्हिच हेल्प्स देम टू टेक बेटर एंड क्विक डिसीजंस। यहाँ पे सिर्फ फ्यू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल डिसीजन नहीं लेंगे, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से नंबर ऑफ पीपल कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वही डिसीजंस के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन बेटर एंड क्विक डिसीजंस ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। डेली वर्कलोड के जो इम्पोर्टेंस है, तो सबऑर्डिनेट जब अगर डिसीजन लेना शुरू करता है तो सुपीरियर का जो वर्कलोड है वो डिवाइड हो जाता है, और सुपीरियर क्या करता है फिर नए नए स्ट्रेटजीज, नए नए डेवलपमेंट्स क्रिएट करता है, उनका बर्डन कम होने की वजह से वो नए नए स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रही है, द डेली मैनेजरियल वर्क आर असाइंड टू द सबऑर्डिनेट विच लीव्स इनफ टाइम विद द सुपीरियर विच दे कैन यूटिलाइज इन डेवलपिंग न्यू स्ट्रेटजी। आप जब काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हो तो आपका वर्कलोड कम हो जाता है। जब वर्कलोड कम हो गया तो ऑटोमेटिकली हम लोग नए नए एरियाज के अंदर एक्सेल करना शुरू कर देते हैं, नए नए स्ट्रेटजीज हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं, न्यू प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए डेडिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये थर्ड पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो एक्सेस वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर फोर जो है वो मैनेजरियल डेवलपमेंट है। यहाँ पर इट मीन्स गिवन एन अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट अप टू द लोअर लेवल टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर वर्क। इन दिस वे द अपॉर्चुनिटी टू टेक एन डिसीजन हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं, ड्यूटीज देते हैं लोअर लेवल पर, तो वो जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसी के बेस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन फिर आगे ग्रोथ करने का भी सोच सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोअर लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं वो डिसीजन राइट ले सकते हैं। राइट या रॉन्ग वो तो उनके फाइनल आउटकम पे पता चलता है, लेकिन वो डिसीजन लेने वाली एबिलिटी उनके पास आ जाती है, तो उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रोथ कर सकती है। पॉइंट नंबर फाइव जो है वो बेटर कंट्रोलिंग है, क्योंकि जब अगर आप लोअर लेवल के कैंडिडेट्स को अगर आप पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो वो मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। एम्प्लॉयज अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज की अच्छी तरह से इवैल्यूएशन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सुपीरियर्स जो होते हैं
वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अगर सर्टन पावर्स देते हैं तो सबऑर्डिनेट्स अपने नीचे के लेवल के वर्कर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। तो यहाँ पर इट मेक्स इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल विच रिजल्ट्स इन कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। अगर आप पावर सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सबऑर्डिनेट के बारे में नीचे अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस चेक करता है, तो इससे क्या होता है कि आप कंट्रोल कर लेते हो पूरे एक्टिविटीज को और आपको पता होता है कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस पूरी तरह से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस के बेस पर आप इवेल्युएट कर सकते हो कोई भी कैंडिडेट को और हर एक कैंडिडेट का रिकॉर्ड वो बना के रखते हैं और रिकॉर्ड बनाने के बाद में उनकी वीकनेसेस के ऊपर वो वर्कआउट करवाते हैं और वर्कआउट करवाने के बाद में जो उसकी वीकनेसेस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो आज का जो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक है वो खत्म होता है। वी हैव कंप्लीटेड अवर सिलेबस और सिलेबस चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द रिमेनिंग पार्ट एज अ नोट ऑफ दिस चैप्टर and hope so for the best, and it will be the end of the chapter number 5. That's it for today. Thank you for listening.